हर हर महादेव। मैं सुची आपको वेलकम करती हूँ हमारे चैनल प्लूम के एक्सप्लोर में। आज हम जा रहे हैं आदियोगी चिकवालापुर। हम अराउंड 1 ईयर के बाद जा रहे हैं। वहाँ पर क्या क्या सब चेंजेस हुआ है आपको हम हमारे चैनल के माध्यम से शेयर करेंगे। आदियोगी एक ऐसा स्थान है, आप जितनी बार जाएंगे आपका मन नहीं भरेगा। आपको कुछ ना कुछ नया सीखने और देखने के लिए मिलेगा। हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में जुड़े रहिए। हम जो हाईवे पर जा रहे हैं वो बेंगलोर हैदराबाद हाईवे NH-44 है। अभी हम NH-44 से लेफ्ट ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर ईसा फाउंडेशन का बोर्ड भी है। व्यूअर्स, आज हम जा रहे हैं आदियोगी चिकवालापुर। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हाउ टू रीच आदियोगी चिकवालापुर, पार्किंग फैसिलिटी, प्लेसेस टू विजिट देयर एंड फूड फैसिलिटी। अभी हम मेन गेट में प्रवेश कर रहे हैं। आज हम पहुंच गए हैं आदियोगी। जो देख रहे हैं वो मेन गेट एरिया है। यहाँ पर पहले जो देखिए ना, एक रेस्टोरेंट, हम आए थे 1 ईयर के आसपास हो गया है। और यहाँ पर देखिए जो रेस्टोरेंट बन रहा था अभी वो पूरा बन चुका है। देखिए ब्यूटीफुल है ना। मेन गेट के पास ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 1 ईयर के बाद क्या क्या वहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है। तो हमने आदियोगी वीडियो हमने जो शेयर किया था उस टाइम जो हम आए थे तो पूरा जोर से बारिश हो रहा था और वो जो व्यू भी बहुत सुंदर था। आज भी वेदर बहुत ही सुंदर है और रास्ता भी देखिए, वो रोड पूरा बन चुका है और बहुत दिन भी हो गया, 6-7 मंथ्स बिफोर बन गया था। अभी तो कुछ ट्रैवल करने के लिए मीन्स प्रॉब्लम भी नहीं होता। पहले ये जो 4-5 किलोमीटर था दिक्कत हो रहा था। देखिए लाजवाब व्यू है ना। हम तो लाइट्स भी आपको शेयर किए थे जो वीडियो रात में। ईसा फाउंडेशन चिकवालापुर बेंगलोर नॉर्थ से 65 किलोमीटर दूर है। आज भी देखिए बादल पूरा पास में ही है और बारिश का मौसम लग रहा है। देखते हैं, आज तो वेदर क्लियर दिखा रहा था। वहाँ पर आप प्राइवेट कार, बाइक और टैक्सी से आराम से पहुँच सकते हैं। बस से भी आप जा सकते हैं। देखिए पहले यहाँ पर रोड खराब था जो अब पूरा बन चुका है। अभी और 2 किलोमीटर बाकी है, आप देख सकते हैं। अभी तो सुबह का 8:53 हुआ है इसलिए बहुत सारा शॉप बंद है। जो छोटा छोटा आप देख रहे हैं ना पास में, जो शॉप बंद है। हाँ, इवनिंग के टाइम पर बहुत सारा जो शॉप है सब ओपन होता है। Yeah.
रोड के साइड में आपको जगह जगह टी शॉप, कोकोनट शॉप एंड स्नैक्स के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए जो ये सब शॉप है, आपको जरूरत का सामान मैक्सिमम मिल जाएगा, लेकिन अभी तो सुबह है इसलिए बहुत बंद है यहाँ पर। अभी हम पार्किंग एरिया में आ चुके हैं। पार्किंग का फैसिलिटी यहाँ बहुत ही अच्छा है। कार पार्किंग प्राइस 50 रुपीज एंड बाइक का 20 रुपीज। हर हर महादेव। आदियोगी चिकबालापुर में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर फुटवेयर रखने के लिए व्यवस्था है। आदियोगी जी का स्टैचू 112 फीट टॉल, 82 फीट वाइड एंड 147 फीट लॉन्ग है। ये जो स्टैचू कोयंबटूर तमिलनाडु का रेप्लिका है। हेलो एवरीवन, लूम टू एक्सप्लोर में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से आ गए हैं आदियोगी और आपको दिखाएंगे क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है वन ईयर के अंदर। देखिए बुल और त्रिशूल आपके पास, अब हम और भी नज़दीक जाकर आपको दिखाएंगे। वो अभी नया यहाँ पर ऐड हुआ है और अभी तो बहुत हवा यहाँ पर चल रहा है ना, अच्छा वेदर भी है। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं। जिन्होंने भी हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। देखिए अभी बुल जा रहा है, तो बहुत सुंदर भी है ना, डेंजरस दिख रहा है, बहुत बड़ा है। ओरिजिनल बुल देखिए। आदियोगी स्टैच्यू वॉज इनॉग्रेटेड बाय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका बसवराज बोम्मई ऑन द ओकेजन ऑफ मकर संक्रांति ऑन 15th जनवरी 2023। देखिए यहाँ पर नया, यहाँ पर त्रिशूल और यहाँ पर नंदी जी का भी उद्घाटन किया गया है। पहले सिर्फ आदियोगी जी का ही स्टैचू था, अभी दो चीज़ें नया ऐड किया गया है। आदियोगी स्टैचू के नीचे ही शिवलिंग है, वहाँ पर आप अभिषेक और जल आदि चढ़ा सकते हैं। पूजा का फूल और प्रसाद आदि अंदर ही उपलब्ध है। हमने यहाँ शिवजी के पूजा के लिए सामान लिया और दो फ्लैग भी हमने खरीदा था। जो भी आपका मनोकामनाएं है आप उस फ्लैग में लिखकर आप आदियोगी जी के पास जो त्रिशूल है उसमें आप बांध सकते हैं।
आदियोगी स्टैचू चारों ओर से त्रिशूल से घिरा हुआ है। यहाँ पर इवनिंग 7 o'clock लाइट एंड साउंड शो होता है। ये जो बड़ा बड़ा पिलर देख रहे हैं, ये लेजर लाइट के लिए है। हम आदियोगी जो रुद्राक्ष माला पहने हैं, वो हर शिवरात्रि को चेंज होता है। फीट का ऊंचाई पर खड़ी आदियोगी मूर्ति को देखिए, एक वास्तुकला के अजूबे को जो साधकों और उत्साहितों को खींचता है। जिन्होंने भी हमारा पुराना वीडियो आदियोगी एंड 3D लाइट शो नहीं देखे हैं, प्लीज हमारे चैनल में जाके आप देख सकते हैं। सो वीडियो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आदियोगी पार्ट 1 में बहुत सारा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगा जो हमने पार्ट 2 वीडियो में नहीं कवर किए हैं। अभी हम रेस्टोरेंट में पहुंच गए हैं, चलिए हम ब्रेकफास्ट करते हैं। यहाँ पर हमने मसाला डोसा एंड टी ऑर्डर किया था। अभी हमारा ब्रेकफास्ट आ गया है, लेट्स एंजॉय। ये बड़ा रेस्टोरेंट है तो बहुत ही स्पेस था, और एक साइड में भी और एक बड़ा रेस्टोरेंट है, तो आपको ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स, डिनर के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये जो एरिया आप देख रहे हैं वो वॉशरूम एरिया है। आप यदि मेन गेट से आए हैं तो आप वहां पर यदि शूज रख रहे हैं तो आपको फिर से रिटर्न करके शूज कलेक्ट करने के लिए कुछ जरूरत नहीं है। ये जो एरिया देख रहे हैं वो शूज सब कलेक्ट करके वहां ही रखेंगे और वहां से आप कलेक्ट कर सकेंगे आपका शूज। रेस्टोरेंट के पास हम एक शॉप में गए थे, वहाँ पर सदगुरु जी के द्वारा लिखा बुक वहाँ पर था, और आदियोगी स्टैचू, बहुत सारा हर्बल प्रोडक्ट, ड्रेस मटेरियल, पूजा सामग्री, बहुत कुछ आप देख सकते हैं और परचेस भी कर सकते हैं। इस बार आदियोगी आने का सफर और भी यादगार और रोमांचक रहा।
इस बार आदि योगी एक अलग ही आनंद प्रदान कर रहा था। मन हो रहा था कि वही कुछ टाइम रुक जाए। रोड साइड में बहुत सारा फ्रूट शॉप हमें देखने को मिला। हम वहां पर बहुत सारा फ्रूट्स भी परचेस किए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय जगन्नाथ।